लोग व्यूवर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? सब लोग तो आज हमारा प्लान है कि आज हम आपके लिए मटन पुलाव की रेसिपी लेके आएंगे। तो बहुत ही लजीज बनता है वो, और ये मेरे हिसाब से आधा किलो मटन के में हम लोग बनाएंगे। उसका पूरा जो भी प्रोपोर्शन है वो पूरा अच्छी तरह बताएंगे। चलो बताते हैं आपको कैसे बनाना चाहिए मटन पुलाव। तो व्यूवर्स पूछते हैं, हमारे जो शेफ है उनसे इन्ग्रीडियंट्स के बारे में पूछते हैं। ये हाफ के जी मटन में आप 3-4 हरी मिर्च ऐसी बड़ी कटी हुई डाल दीजिए। मैम थोड़ा जोर से बोलें। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक हाफ इसमें डालना है, हाफ जब हम मसाला भूनेंगे उसमें डालना है। लंबे कटे प्याज कितने मैम? ये 3-4 प्याज है, इसमें हम 1-2 प्याज इसमें डाल देंगे, बाकी मसाले मेरे ब्राउन कर जी। क्या इसमें आप डालेंगे गरम मसाला, ये है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये भी वही है पर ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये राउंड वाली डाल सकते हैं, और नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप गरम मसाला डाल दीजिए सब थोड़ा सा। 2 हरी इलायची, शाही ज़ीरा, तेज़पत्ता सब इसमें डाल दीजिए। हाफ कप दही है, सारे मसाले इसमें डाल दिए हमने जी। हाँ, ये नमक स्वाद अनुसार डालें, स्वाद अनुसार थोड़ा ज़्यादा ही नमक लें क्योंकि चावल में। इसमें आप पानी डाल दीजिए, 1 ग्लास पानी डालना है इसमें। अच्छे से पानी अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी लेते हैं तो उसमें ये क्योंकि आप चावल में ये यूज ले सकते हैं। तो हम 1 ग्लास मतलब टोटल 2 ग्लासेस इसमें आपको डालने हैं। एक और मैंने डाल दिया है। एक तरफ तो ये जो मटन है वो गल रहा है और दूसरी तरफ इनका जो मसाला है वो हम लोग मटन पुलाव का तैयार कर रहे हैं। टू से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए इसमें। तेल गर्म होने से पहले ये जो प्याज थे हमारे जो बचे हुए प्याज थे ये होंगे करीबन 2 बड़े प्याज तो इसको ब्राउन करने के लिए तेल में डाल के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और तो निकाल दें, निकाल लेते हैं ऊपर गार्निश के लिए। क्या बात है,
कितनी अच्छी आ रही है। अच्छे से आप भूनिए ताकि इसकी जो स्मेल है। सेकेंड विसल हमारी बच चुकी है, हम थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं। फिर 10 मिनट दो बजे बच चुकी है, अब इसको 10 मिनट तक ऐसे ही रखना है। ऐसे ही रखना है, फिर खोलना है ताकि जो अंदर हाथ से जो है वो गोल खोल जाए। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, 2 कटी हुई हरी मिर्च है, और क्योंकि हमारे थोड़ा टेस्ट पसंद करते हैं इसलिए हमने थोड़ा पीसी हुई भी हरी मिर्च, पीसी हुई जो बारीक मिर्च है जो आपने पीस दी है वो भी, उससे क्या है कि थोड़ा तेज़ अच्छा हो जाएगा, स्पाइसी हो जाएगा। थोड़ा पानी डाल के आप भूनो अच्छे से ताकि नीचे ये सूखे नहीं। अब क्योंकि अभी फ्रेश मटर आ रहे हैं तो हम हाफ कप मटर भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो राइस के साथ जो है वो मटर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है, राइस के साथ मटर अच्छा लगता है। और मेरी मटन, मुझे मटन पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, मटन पुलाव का कोई मुकाबला नहीं। हाफ कप जो हमारी दही थी, हाफ कप उसमें डाले थे हमने मटन में, और हाफ कप ये मसाला जो है बनने, ये अभी ये तैयार है। तो ये हमारा मसाला तैयार है। हम जितना चावल लेंगे, ये 1 कटोरी मैंने चावल लिया है, तो 2 कटोरी हम पानी डालेंगे। मतलब 1 कटोरी चावल पे 2 कटोरी पानी। ये हमारा स्टॉक भी था जो जो मटन जो तैयार हो चुका है उसका स्टॉक भी इसमें जाएगा। स्टॉक 1 कटोरी ये हम डाल देंगे, मतलब 1 कटोरी एक कटोरी में 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी मटन स्टॉक। 2 कटोरी पानी नहीं, 1 कटोरी पानी है और 1 कटोरी मटन स्टॉक। अच्छा अच्छा, अगर आपके पास मटन स्टॉक है ज़्यादा तो आप वही डाल, मतलब 1 कटोरी मटन स्टॉक और 1 कटोरी पानी। क्या अगर मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं था। इसके बाद मैम इसमें हम ये आलू लिए हैं 2, अगर पसंद है तो हम आलू इसमें डाल, आलू डाल सकते हैं इसमें। ये जो गोश्त था हमारा बॉईल, आप ये डाल दें इसमें। गोश्त भी एकदम गल गया है। हाँ, जो गोश्त इसमें डाल दें, मिंट लीव्स है, पुदीना के पत्ते 1 मुट्ठी भर इसे डाल दें। टीस्पून गरम मसाला इसको बॉईल आने के लिए पहले पहले फिर चाहिए। ये हमारे बॉईल आ गया, हम थोड़ा जोर से बोलो, फिर आवाज़ ही नहीं आती है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो शिकायत करते हैं। बॉईल, ये बॉईल आ गया हमारे पानी में, बॉईल आ चुका है। अब ये 2 घंटे सोख पानी है बासमती, हाँ किंग बड़े वाले, अब इसको इसमें डाल रहे हैं। चावल में पानी बिल्कुल भी ना हो,
कितने टाइम का रखना इसको? ये भी इसको, ये इसको कम करके जब तक चावल हो, जब तक 10-15 मिनट बाद आप खोल के देख लो, पानी पूरा सूख जाना चाहिए चावल का, जिससे पानी थोड़ा कम हो चुका है, थोड़ा सा पानी बचा है, इसमें आप डाल दीजिए नींबू। जो फ्राई किए हुए हमारे अनियंस थे इसको ऊपर से डाल देंगे और इसको 15 तैयार है, बस 15 मिनट के लिए इसको छोड़ना है ऐसे ही। तो ये हमारा मटन पुलाव रेडी है। तो यार देख लें, मटन पुलाव पूरा रेडी है, चावल भी एकदम खुले हुए हैं माशाल्लाह, और कुछ भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बाकी भी सब, बस अब यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी जो भी रेसिपीज आएगी। तो हमारा मटन पुलाव रेडी है, बस अब यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और आगे भी आप हमको देखते रहें, सब्सक्राइब करें, और हम बहुत सी रेसिपीज़ भी लेके आएंगे, रेस्टोरेंट भी आपको लेके जाते हैं। बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं हमारा वीडियो, बस दुआ में याद रखें, और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी।